पहले इतिहास की पुस्तक 22 अध्याय उसके 10 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, वही मेरे नाम का भवन बनाएगा और वही मेरा पुत्र ठहरेगा और मैं उसका पिता ठहरूंगा और उसकी राजगद्दी को मैं इसराइल के ऊपर सदा के लिए स्थिर रखूंगा। मेरे मित्रों, हमने देखा है कि प्रभु यीशु मसीह में इस प्रतिज्ञा की पूर्णता है। मेरे अपने विचार में दाऊद सुलेमान को राजा बनाने के विचार में नहीं था, सुलेमान जनाना था। कहने का मतलब है कि वह महल में जनाना खाने में पला और बड़ा हुआ था। वह अपने पिता के समान कठोर जीवन का अभ्यस्त नहीं था। वे दोनों एक दूसरे के विपरीत थे क्योंकि उनकी पृष्ठभूमियां अलग अलग थी। दाऊद जंगल में भेड़ बकरियों को चराता था और उसके अनुभव बहुत कड़े और कठोर थे। परमेश्वर उसमें से होकर के उसे ले चला, लेकिन सुलेमान ऐसा नहीं था। दाऊद सुलेमान से कहता है, तू मंदिर बनवाने जा रहा है, इसलिए मैं तुझे प्रोत्साहन देना चाहता हूँ और तुझे जोश भी दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि यह मेरे मन की कामना है कि परमेश्वर का मंदिर वैभवशाली हो। परमेश्वर मुझे नहीं बनाने देगा क्योंकि मेरे हाथ से युद्ध में बहुत सारे खून बहे हैं, अर्थात रक्त रंजित हैं। मेरे मित्रों, मैं यहाँ एक पल रुककर आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि दाऊद पाप करके बच नहीं गया था। वह जो सबसे बड़ा काम करना चाहता था वह नहीं कर पाया, जो कि मंदिर निर्माण का था। मेरे मित्रों, ऐसे अनेक मनुष्य हैं जिन्हें परमेश्वर ने लक्ष्य प्राप्ति से वंचित रखा है क्योंकि उनके जीवन में पाप था। पाप हमें नीचे ले जाता है। पाप दाऊद को भी नीचे ले गया था। दाऊद चाहता था कि वह अपने हाथों से परमेश्वर के लिए उसके भवन का निर्माण करे, लेकिन परमेश्वर ने उसे ऐसा करने नहीं दिया क्योंकि दाऊद ने बहुत सारे युद्ध लड़े थे और उसने बहुत सारे खून बहाए थे और परमेश्वर नहीं चाहता था कि कोई एक खूनी व्यक्ति उसके लिए भवन का निर्माण करे, और इसी कारण से उसने दाऊद को इस कार्य को करने से रोक रखा। हम आगे पढ़ते हैं इतिहास की पुस्तक, पहले इतिहास की पुस्तक 22 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, अब हे मेरे पुत्र, यहोवा तेरे संग रहे और तू कृतार्थ होकर उस वचन के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे विषय कहा है उसका भवन बनाना। मेरे मित्रों, दाऊद इस युवक को कैसा प्रोत्साहन देता है। वह जानता था कि उसे प्रोत्साहन की अति आवश्यकता है। वह जनाना खाने में पला और बड़ा हुआ था। कहने का तात्पर्य यह है कि वह महिलाओं के बीच में ही पला बढ़ा और इसलिए उसके अनुभव ऐसे कठिन नहीं थे, इसीलिए वह साहसी भी नहीं था। आगे हम देखेंगे कि सुलेमान ने दाऊद के राज्य का लाभ भोगा। उसके विषय में प्रभु यीशु के वचन सच होते हैं, जिसे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 38 पद में पढ़ते हैं, दूसरों ने परिश्रम किया और तुम उनके परिश्रम के फल में भागी हुए। जी हाँ, सुलेमान दूसरे के अर्थात अपने पिता के परिश्रम के फल का भागी हुआ। उसने अपने पिता के उस कार्य का लाभ उठाया जो उसके पिता ने किया था। हम आगे पढ़ते हैं, पहला इतिहास की पुस्तक 22 अध्याय उसके 12 पद में लिखा हुआ है, अब यहोवा तुझे बुद्धि और समझ दे और इसराइल का अधिकारी ठहरा दे और तू अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था को मानता रहे। मेरे मित्रों, दाऊद अपने पुत्र से आग्रह करता है कि वह परमेश्वर के मार्गों में चले। मेरे विचार में दाऊद ने उसकी दुर्बलताओं को देखा था और बतशेबा ने भी उसकी दुर्बलताओं को देखा। उसकी एक दुर्बलता थी कि वह स्त्रियों के बारे में दुर्बल चरित्र का था। यह उसे दिए गए दाऊद के परामर्श थे। मेरे मित्रों, यदि आप उसकी माता की शिक्षाओं को देखना चाहते हैं तो नीति वचन का अंतिम अध्याय देखें। आइए अब हम आगे देखें, पहले इतिहास की पुस्तक 22 अध्याय उसका 13 पद लिखा हुआ है, तू
तब ही कृतार्थ होगा जब उन विधियों और नियमों पर चलने की चौकसी करेगा जिनकी आज्ञा यहोवा ने इसराइल के लिए मूसा को दी थी। हियाव बांध और दृढ़ हो, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। जी हाँ, वह जानता था कि सुलेमान हिम्मत हार जाएगा। वह यह भी जानता था कि सुलेमान चरित्र में सबल नहीं है। वह उसे पुरुषार्थ प्रकट करने और बल एवं साहस दिखाने की चुनौती देता है। जी हाँ, इस बात से हमें स्पष्ट हो जाता है कि आगे सुलेमान के जीवन में अर्थात उसके चरित्र में उंगलियां उठी हैं। उसने कई रानियों को अपने लिए पत्नी करके रख लिया है। इस बात का स्पष्टीकरण अभी से हमें मिल जाता है। तब हम आगे पढ़ते हैं, पहले इतिहास की पुस्तक 22 अध्याय उसके 14 पद में। कृपया आप मेरे साथ अपने बाइबल को हमेशा खोल करके रखें। लिखा है, सुन, मैंने अपने क्लेश के समय यहोवा के भवन के लिए 100,000 की कार सोना और 1,000,000 की कार चांदी और पीतल और लोहा इतना इकट्ठा किया है कि बहुतायत के कारण तौल से बाहर है, और लकड़ी और पत्थर मैंने इकट्ठे किए हैं, और तू उनको बढ़ा सकेगा। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए, दाऊद ने सुलेमान से कहा कि वह मंदिर निर्माण के काम में अनिच्छा प्रकट ना करे, कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई कमी आने ना दे। सामान की कमी नहीं है। दाऊद में अपने श्रम के दिनों में भी मंदिर निर्माण के संपूर्ण साधन जुटा दिए थे, बस परमेश्वर ने उसे इस कार्य को करने से रोक रखा था। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इस बात पर ध्यान दिया था। परमेश्वर ने दाऊद का मन देखा था, और यही कारण है कि दाऊद को परमेश्वर के मन का मनुष्य कहा गया था। परमेश्वर को मन की कामना देखनी होती है कि सबसे ऊपर आत्मिक बातें हों। मेरे मित्रों, आपके जीवन का लक्ष्य वास्तव में क्या है? आपकी महत्वाकांक्षा क्या है? आज कहा जाता है कि युवा पीढ़ी के जीवन में उद्देश्य और लक्ष्य नहीं है। उनका पालन पोषण समृद्धि में हुआ है जहां मसीही निर्देश नहीं है। मेरे प्रियो, वहां गुणकारी बातें, महिमा योग्य अच्छी बातें नहीं सीखने को मिलती है, और यही कारण है कि आज बहुत से हमारे जवान भाई बहन अपने घरों में इन शिक्षाओं को ग्रहण नहीं कर पाते हैं और उनके जीवन में असफलताएं होती है। वे परमेश्वर के भय से रहित हो जाते हैं, यहाँ तक कि स्कूल भी मसीही ज्ञान से रहित हैं। स्कूल अपना उत्तरदायित्व निभाने से चूक गए हैं। मैं क्रांतिकारी और विखंडी सा प्रतीत होता हूँ, परंतु मेरे विचार में आज अधिकांश स्कूलों को बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि वे बच्चों को नैतिक शिक्षा, दिशा निर्देश एवं अनुशासन नहीं सिखा रहे हैं, और यही कारण है कि आज बहुत से बच्चे अपने मार्गों से भटक रहे हैं। मेरे प्रियो, जीवन का उद्देश्य क्या है? आज युवाओं में इतनी आत्महत्याएं क्यों हो रही है? वे विचार क्यों हो रहे हैं? हत्याएं क्यों हो रही है? वे संसार में क्यों निरुद्देश्य भटकते फिर रहे हैं? मेरे मित्रों, मुझे उनसे सहानुभूति है, क्योंकि कहीं किसी से चूक हुई है, माता या पिता से चूक हुई है, कलीसियाएं चूक गई हैं, स्कूल चूक गए हैं। इसी कारण से आज हमारे जवान भाई बहन अपने मार्गों से भटक रहे हैं। उन्हें शिक्षा देने की जिम्मेवारी किसकी है? आपकी और मेरी, कलीसिया की है। क्या आज आप उन युवाओं पर ध्यान देते हैं? क्या आप उन्हें सही मार्ग दिखाने के लिए कोई निर्णय लेते हैं? क्या मैं आपसे कह सकता हूँ कि दाऊद अपने पुत्र को निर्देश दे रहा है? उसने कहा, तेरे सामने एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है, परमेश्वर के लिए भवन बनाना है। मेरे मित्रों, मैं आपको अपने आरंभिक जीवन की शिक्षा देना चाहता हूँ। मसीही शिक्षा में एक प्रश्न है, मनुष्य का मुख्य लक्ष्य क्या है? मनुष्य का मुख्य लक्ष्य है कि परमेश्वर का महिमान्वन करे और सदा सर्वदा उसके साथ आनंद करे। ओह, मैं कैसी मनोकामना करता हूँ कि आपको प्रोत्साहित करूँ, खेल कूद में नहीं, कलीसियाई कार्यकलापों में नहीं, चाहे वे कैसे भी क्रांतिकारी क्यों ना हो, परंतु प्रभु यीशु मसीह में। मैं चाहता हूं कि मैं आपको किसी भी प्रकार मसीह के व्यक्तित्व में आकर्षित करने पाऊं।
मेरे मित्रों, मसीह यीशु ने मुझे प्रतिज्ञा दी है, आपको प्रतिज्ञा दी है कि हम सदा उसके साथ रहेंगे, क्योंकि वह परमेश्वर है, इसलिए वही प्रबल होगा, आप और मैं नहीं। उसकी दृष्टि में एक महिमामय बात है, मैं नहीं जानता, क्योंकि मुझे न तो वहां का दृश्य दिखता है और न ही भविष्य, परंतु उसके बारे में मेरे लिए जो कुछ भी है उसमें मुझे रुचि है। हम सबको पौलुस के साथ यह कहने योग्य होना चाहिए, अर्थात बनना चाहिए। फिलिपियों के पत्र 3 अध्याय उसके 14 पद में लिखा है, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। जी हाँ, दाऊद परमेश्वर के मन का मनुष्य था, क्योंकि उसके सामने ऊपर की मर्यादा की और सम्मान की बात थी। आज आप किस ओर दौड़ रहे हैं? आपका निशाना, आपका लक्ष्य, आपका उद्देश्य क्या है? क्या आप भी तो उद्देश्यहीन व्यक्ति नहीं हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने जीवन को सिर्फ चलाए चल रहे हैं क्योंकि आपको संसार में जीना है, या आप एक उद्देश्य के साथ में जी रहे हैं कि आपको मसीह के लिए जीवन व्यतीत करना है। मेरे मित्रों, आज बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो अपने जीवन के लक्ष्य को और उद्देश्य को खो चुके हैं, और इसी कारण से उनके जीवन में निराशाएं हैं, क्योंकि वे नहीं जानते कि उनका लक्ष्य क्या है। आज मुझे और आपको अपने लक्ष्य को ढूंढने की आवश्यकता है, उसे जांचने और परखने की आवश्यकता है, और उसे सही दिशा निर्देश देने की आवश्यकता है। आइए हम पहले इतिहास के पुस्तक 22 अध्याय उसके 15 पद को पढ़ें। पहले इतिहास के पुस्तक 22 अध्याय उसके 15 पद में लिखा है, और तेरे पास बहुत कारीगर हैं, अर्थात पत्थर और लकड़ी के काटने और गढ़ने वाले, वरन सब भांति के काम के लिए सब प्रकार के प्रवीण पुरुष हैं। देखिए, उसने हीराम के साथ निर्माण की व्यवस्था की और हर एक जरूरत की चीजों का इंतजाम किया। पहले इतिहास की पुस्तक 22 अध्याय उसके 16 पद में आगे हम पढ़ते हैं, सोना, चांदी, पीतल और लोहे की तो कुछ गिनती नहीं, सो तू उस काम में लग जा, यहोवा तेरे संग नित रहे। ध्यान दे, हे युवक, उठ, खड़ा हो जा, तेरे सामने एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है जिसे तुझे करना है, और यहोवा तेरे संग है। तब हम आगे देखते हैं, पहले इतिहास की पुस्तक 22 अध्याय उसके 17 से 19 पद में, 22 अध्याय 17 से 19 पद में लिखा है, फिर दाऊद ने इसराइल के सब हाकिमों को अपने पुत्र सुलेमान की सहायता करने की आज्ञा यह कह करके दी कि क्या तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग नहीं है? क्या उसने तुम्हें चारों ओर से विश्राम नहीं दिया? उसने तो देश के निवासियों को मेरे वश में कर दिया है, और देश यहोवा और उसकी प्रजा के सामने दबा हुआ है। अब तन मन से अपने परमेश्वर यहोवा के पास जाया करो, और जी लगाकर यहोवा परमेश्वर का पवित्र स्थान बनाना, कि तुम यहोवा की वाचा का संदूक और परमेश्वर के पवित्र पात्र उस भवन में लाओ जो यहोवा के नाम का बनाने वाला है। मेरे प्रियो, दाऊद ने इसराइल के अगुओं को भी आज्ञा दी कि वे इस परियोजना में सक्रिय होकर के भाग लें। मेरे मित्रों, आप जो भी हैं, एक मसीही होने के नाते मैं आपसे कह रहा हूँ, आप संभवतः अपने जीवन में बहुत नीचे आ गए हैं। यह भी संभव है कि आपकी कलीसियाई सेवा व्यर्थ की बातों से अधिक ना रही हो, या प्रचारक पर उंगली उठाना ही रहा हो। संभव है कि आप इनमें से एक के भी दोषी नहीं, परंतु आप प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करने की अपेक्षा शिथिल बैठे हैं। मैं आपको सतर्क करता हूँ कि अपने शरीर में पिन चुभा कर कहें, जाग उठ, जागृत होकर मसीह के निकट आ जा। उससे कहें कि आप उसके साथ चलना चाहते हैं, आप आत्मिकता पर बल देना चाहते हैं, आप कोई पक्का काम करना चाहते हैं, कोई सकारात्मक काम करें, बैठे ना रहें, अभी आरंभ कर दें।
जी हाँ, आज कलीसिया को जागृत होने की आवश्यकता है, आज उसे उठाने की आवश्यकता है। और यही बात दाऊद सुलेमान से कह रहा है, उसने उसे पिन चुभाई। जी हाँ, सेवा और भजन गान हेतु लेवियों की व्यवस्था की गई, जिसे हम अध्याय 23 में मंदिर के संबंधित बातों में देखेंगे। मेरे प्रियो, मैं फिर कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने इस इच्छा को महत्व दिया और इस विशेष स्थान पर बल दिया। दाऊद ने भी इसे सर्वोच्च महत्व दिया और हम परमेश्वर की आराधना में उसका जोश और मनोवेग यहाँ देखने पाते हैं। आज जब भी हम यरूशलेम मंदिर के विषय में पढ़ते हैं और सुनते हैं तो निश्चय ही हमारे मन आनंद से भर जाते हैं। क्यों? क्योंकि दाऊद के मन में परमेश्वर ने इस बात को डाला और वह चाहता था कि वह परमेश्वर के लिए एक वैभवशाली मंदिर को बनाए। जी हाँ, आज उसके इस कार्य के द्वारा हम उस मंदिर के बारे में सुनने पाते हैं। मेरे मित्रों, यदि आप परमेश्वर की संतान हैं तो क्या आप वास्तव में अपने जीवन में परमेश्वर को सर्वोच्च स्थान देते हैं? यह आपको दाऊद की चुनौती है। क्या वह आपके लिए बड़े उत्साह का कारण है? क्या आप उसके साथ संबंधों का आनंद लेते हैं? क्या आप परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं या आप यूं ही बैठे अपने जीवन को गंवा देना चाहते हैं? क्या वह आपके जीवन में उद्देश्य और दिशा निर्देश प्रदान करता है? क्या आपके मन की इच्छा है कि उसे जाने और उसकी सेवा करें? मेरे प्रियो, दुर्भाग्य से हमारी कलीसियाएं निष्क्रिय गतिविधियां दर्शाती हैं। हमारे काम हिंडोलों की नाई हैं और जहां से चढ़े वहीं घूमकर फिर उतर गए हैं। हम कहीं नहीं पहुंच पाते हैं। दाऊद परमेश्वर के लिए आगे बढ़ गया था और वह सुलेमान को भी यही कह रहा है, आगे बढ़कर उस महान मंदिर का निर्माण कर, तुझे एक महान कार्य करना है। और इसके लिए दाऊद ने सारी वस्तुओं का इंतजाम कर दिया और सिर्फ इस कार्य में सुलेमान को हाथ बटाना है। मेरे मित्रों, आइए अब हम आगे बढ़ेंगे और पहले इतिहास की पुस्तक 23 अध्याय उसके एक पद को पढ़ेंगे। पहले इतिहास की पुस्तक 23 अध्याय उसके एक पद में लिखा है, दाऊद तो बूढ़ा वरन बहुत बूढ़ा हो गया था, इसलिए उसने अपने पुत्र सुलेमान को इसराइल पर राजा नियुक्त कर दिया। जी हाँ, दाऊद ने सुलेमान को अपनी राजगद्दी पर बैठाया। अति संभव है कि आप पूछें, दाऊद की मृत्यु कैसे हुई? उसकी आयु पूरी हो गई थी, यही उसकी समस्या थी और यह हम में से अनेकों की समस्या है। हम पहले इतिहास की पुस्तक 23 अध्याय उसके 2 और 3 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, तब उसने इसराइल के सब हाकिमों और याजकों और लेवियों को इकट्ठा किया और जितने लेवीय 30 वर्ष के और उससे अधिक अवस्था के थे वे गिने गए और एक एक पुरुष के गिनने से उनकी गिनती 38,000 हुई। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए, मिस्र से पलायन करते समय इसराइल में लेवी गोत्र के 8,000 सदस्य थे, परंतु अब गणना के अनुसार वे 88,000 थे। वे संख्या में वृद्धिमान हो गए थे, जैसी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उनसे की थी। दाऊद ने मंदिर निर्माण की सामग्री ही एकत्र नहीं की, उसने मंदिर में सेवा के लिए लेवियों को उत्तरदायित्व भी संभलवाया, अर्थात उसने सारे कामों को सुसज्जित तरीके से करवाया। हम पहले इतिहास की पुस्तक 23 अध्याय उसके 4 और 5 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, इन में से 24,000 तो यहोवा के भवन का काम चलाने के लिए नियुक्त हुए और 6,000 सरदार और न्यायी और 4,000 द्वारपाल नियुक्त हुए और 4,000 उन बाजों से यहोवा की स्तुति करने के लिए ठहराए गए जो दाऊद ने स्तुति करने के लिए बनाए थे। जी हाँ, दाऊद ने संगीत पर बहुत अधिक बल दिया। आप सोचिए, संगीत द्वारा स्तुति हेतु 4,000 लेवी थे। आपको स्मरण होगा कि मिलाप वाले तंबू में लेवी सेवारत थे और हारून का परिवार याजकीय सेवा में था तथा लेवियों के 3 परिवारों के अपने अपने कर्तव्य भार थे। आइए हम आगे देखें। पहला इतिहास की पुस्तक 23 अध्याय उसके 6 पद में लिखा हुआ है, फिर दाऊद ने उनको गेरशोन,
कहात और मरारी नाम लेवी के पुत्रों के अनुसार दलों में अलग अलग कर दिया। मेरे मित्रों, इन तीन कुटुंबों गेर्शोनी, कहाती और मरारी का काम था मिलाप वाले तंबू में सेवा करें। जंगल में उनका उत्तरदायित्व था कि वे मिलाप वाले तंबू का परिवहन करें। तंबू को लाना, ले जाना, उखाड़ना, लगाना उनका काम था। कहाती सामान उठाते थे, मरारी बोर्ड, डंडे और स्तंभ उठाते थे। गिनती की पुस्तक में हमने देखा था कि मिलाप वाले तंबू को सुबह उठाना और संध्या काल फिर से खड़ा करके उसमें आराधना करना एक परिश्रम का कार्य था। मेरे मित्रों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि दाऊद प्रत्येक को उनकी जिम्मेदारियां सौंपता है ताकि परमेश्वर का भवन निर्माण के साथ साथ लोग अपनी जिम्मेदारी को भी पूरा कर सकें। मेरे प्रिय मित्र, आज आप अपनी जिम्मेदारी को किस प्रकार से निभा रहे हैं? आपका जीवन किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है? क्या आज आप दाऊद के समान अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य को जानते हैं जो आपकी कलीसिया के प्रति है, प्रभु यीशु मसीह के प्रति है? अगर आज आप नहीं जानते हैं तो आज के इस वचन के प्रकाशन में अपने आप को जांचें और देखें कि आप कहां पर हैं, और आज प्रभु से कहें, प्रभु मैं भटक गया था, मैं भटक गई थी, आज मैं फिर से आपके निकटता में आता हूँ, मैं आती हूँ, आप मेरी मदद करें।